हेलो एंड वेलकम टू एनसीईआरटी कैंप। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीबीएसई क्लास 12 ज्योग्राफी चैप्टर 9 प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट पार्ट 3। ये आपके बुक 2 से ली गई है ये चैप्टर। तो इस वीडियो में हम लोग इन सब टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। नाउ सबसे पहले हम लोग देखते हैं डेवलपमेंट। तो प्राइमरली इस टॉपिक पे हम लोग समझेंगे कि डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट की मीनिंग क्या है, डेवलपमेंट की मीनिंग चेंज कैसे होती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। तो इन सब टॉपिक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले डेवलपमेंट समझते हैं। हम लोग बहुत बार हम लोग ये वर्ड को, इस टर्म्स को यूज करते हैं डेवलपमेंट। जनरली इसका मतलब होता है कि जनरली यूज टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ पार्टिकुलर सोसाइटी। किसी सोसाइटी का अभी कौन सा स्टेट है। स्टेट का मतलब ये वेस्ट बंगाल एंड बिहार एंड महाराष्ट्र वाला स्टेट नहीं, सोसाइटी का स्टेट का बोलने का मतलब है कि वहां पे लेवल ऑफ उनकी लाइफ कैसी है, उनकी लाइफ कैसा चल रहा है। तो उसे जो है हम लोग क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट एंड द प्रोसेस ऑफ चेंजेस एक्सपीरियंस बाय देम। अब ये जो उनका लाइफ की जो क्वालिटी जो अभी उनके पास है वो तो लगातार चेंज हो रही है, तो ऑफकोर्स एक प्रोसेस के थ्रू चेंज हो रही है। अब उसमें उनको जो एक्सपीरियंस मिल रहा है दैट इज कॉल्ड द डेवलपमेंट। आप में से काफी लोगों को हो सकता है समझ में नहीं आया हो, और इसकी डिटेल में समझते हैं। देखो होता क्या है कि ह्यूमन सोसाइटी जो हम लोग है, जो मैं हूं, आप हो, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करते हैं। हम लोग अपने इन्वायरमेंट से क्या करते हैं, हम लोग इंटरेक्ट करते हैं। और इस इंटरेक्शन का ये जो प्रोसेस जो है, ठीक है, ये डिसाइड करता है कि किसी भी एरिया में डेवलपमेंट जो है ये कितना होगा। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। दो कंट्री है, कंट्री दो है, मान लो कंट्री ए है, कंट्री बी है। मान लो ए कंट्री में लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट कर रहे हैं। इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट कर रहे हैं मतलब क्या, मान लो ये लोग, इन्वायरमेंट मतलब क्या, मान लो रिवर, रिवर एक इन्वायरमेंट है, तो रिवर से इंटरेक्ट कर रहे हैं। कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, रिवर में डैम बना दिया ए कंट्री वालों ने, रिवर में डैम बना दिया। डैम बना दिया तो क्या मिला इनको, इलेक्ट्रिसिटी मिला। तो ये इलेक्ट्रिसिटी इनको क्यों मिला, बिकॉज इन्होंने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट किया। लेकिन बी कंट्री वालों ने रिवर में डैम नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया, इनको नहीं आता था, टेक्नोलॉजी नहीं थी इनके पास डैम बनाने की। तो क्या ये लोग इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट कर पा रहे, आंसर इज नो। तो इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे तो इनको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगा, और ए कंट्री वालों को इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। तो आप देख सकते हो इन्वायरमेंट से हम लोग जब इंटरेक्ट करते हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू, तो हमको क्या मिलता है, हमको उसके उसके अगेंस्ट में हमको कुछ मिलती है। हम लोग इंटरेक्शन क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें जो है हमें उसका कुछ बेनिफिट मिले। और इस बेनिफिट से ही हम लोग देखेंगे, और ये पूरे प्रोसेस में टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज टेक्नोलॉजी से ही तो आप इंटरेक्ट करोगे, है ना। टेक्नोलॉजी से ही तो आप ह्यूमन जो इन्वायरमेंट इंटरेक्ट करते हैं, ये जो प्रोसेस जो है ये कैसे पॉसिबल है, टेक्नोलॉजी के हेल्प से। और ये टेक्नोलॉजी जो है, ये जो टेक्नोलॉजी है जिस टेक्नोलॉजी के थ्रू ह्यूमन इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करेंगे, तो ये टेक्नोलॉजी आएगा कहां से, कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन बनाएगा। कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन जो है वो क्या करेगा, इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करेगा, टेक्नोलॉजी को अप्लाई करेगा। जैसे एक आप समझो एग्जांपल, हमारे कंट्री में जैसे रिवर में क्या बनाते हैं, डैम्स बना के इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं ना। तो ये जो रिवर में डैम बना करके इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, तो ये काम किसी इंस्टीट्यूशन को दिया गया है ना। मैं तो नहीं करता, आप तो नहीं करते हो, कौन करती है, NHPC। NHPC ये हमारी एक सरकारी PSU है, ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या करती है, ये रिवर्स वगैरह के ऊपर डैम्स बना करके इलेक्ट्रिसिटी बनाती है। तो ये हो गई एक एग्जांपल इंस्टीट्यूशन का। तो ये इंस्टीट्यूशन क्या करती है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूज करती है, उस टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करते हैं। इन्वायरमेंट मतलब जैसे रिवर, और उससे हमें बहुत फायदा मिलता है, हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। और इलेक्ट्रिसिटी अगर मिलेगी तो हमारा लाइफ जो है वो क्या चेंज होगा कि नहीं, डेफिनेटली चेंज होगा, है ना। हमारा लाइफ जो है वो चेंज होगा, हमें, हम लोग AC यूज कर पाएंगे, फैन यूज कर पाएंगे, जहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं है वो लोग यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये है डेवलपमेंट, और समझते हैं। तो ये एक कोई लिखा हुआ डेफिनेशन नहीं है कि जिसको आप रट के मगप करके आप चले जाओगे। ये कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना होगा कि डेवलपमेंट है क्या। जब ह्यूमन इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करते हैं, तो ऑफ कोर्स जैसे मैंने बताया कि टेक्नोलॉजी रिक्वायर होती है। अब वो टेक्नोलॉजी को अप्लाई करने के लिए हमें कुछ इंस्टीट्यूशंस चाहिए होते हैं, वो इंस्टीट्यूशंस वो उस टेक्नोलॉजी को अप्लाई करते हैं। तो इससे फायदा ये होता है क्या, कि हम लोग बहुत फास्ट तरीके से डेवलपमेंट कर पाते हैं।
तो इसके रिटर्न में हमें मिलता है क्या है, डेवलपमेंट, है ना, डेवलपमेंट। अब तुम एक एग्जांपल थोड़ा देख ले, सोचो ये एक साइकिल की तरह है, कैसे है समझो। हमारे कंट्री में एनएचपीसी ने टेक्नोलॉजी डेवलप किया और इस टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग क्या बना रहे हैं, रिवर्स के ऊपर डैम्स बना रहे हैं। अब वो डैम से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिली, तो ऑफकोर्स इलेक्ट्रिसिटी जब मिलेगी तो हम लोग तो खुश होंगे, हम लोग तो खुश होंगे कि हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। तो नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एनएचपीसी जैसे हम लोग और इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे। अभी तो सिर्फ एनएचपीसी बनाया, नेक्स्ट हम लोग एनएचपीसी जैसे और भी इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे और उनको भी बोलेंगे कि आप लोग भी टेक्नोलॉजी डेवलप करो विंड एनर्जी बनाने के लिए। विंड भी तो एनवायरमेंट है ना, विंड भी तो एनवायरमेंट है, तो विंड एनवायरमेंट से इंटरेक्ट करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी नहीं है, तो क्या करो, टेक्नोलॉजी बनाओ, क्योंकि हमने देखा है फायदा मिलता है इससे, इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। तो हुआ क्या कि जब हमें रिटर्न में फायदा मिलेगा, डेवलपमेंट मिलेगा, तो हम लोग अपनी टेक्नोलॉजी को डे बाय डे और ज्यादा अच्छा करेंगे और इसके लिए हम लोग और भी ज्यादा नए नए इंस्टीट्यूशन जो है वो क्रिएट करेंगे, नए नए इंस्टीट्यूशन जो है वो बनाएंगे। यानी कि एक तो साइकिल की तरह है, इंस्टीट्यूशन बनाओ वो डेवलपमेंट करेगा, डेवलपमेंट का अच्छा रिजल्ट मिलेगा तो और इंस्टीट्यूशन बनाओ, और इंस्टीट्यूशन बनाएंगे वो और डेवलप करेंगे तो और अच्छा रिजल्ट मिलेगा तो और इंस्टीट्यूशन बनाओ। मतलब ये साइकिल की तरह है, चलता रहेगा। यानी कि डेवलपमेंट जो है ये एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। डेवलपमेंट का मतलब ऐसा नहीं है कि बस आपके पास पैसे आ गए और आप डेवलप हो गए, ये नहीं। डेवलपमेंट एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। आपको डेवलपमेंट की जब आप बात करते हो तो आपको इकोनॉमी देखना पड़ेगा, आपको पैसे देखने होंगे, लेकिन सिर्फ पैसे से काम नहीं चलेगा, आपको देखना होगा सोसाइटी में क्या चेंज आ रहा है, आपको देखना पड़ेगा इन्वायरमेंट में क्या चेंज आ रहा है, इन सब चीजों में किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं। ऑफकोर्स वो पॉजिटिव होना चाहिए, अगर नेगेटिव चेंज आ रहा है तब तो हम लोग को वो अच्छा नहीं लगेगा, हम लोग उसको डेवलपमेंट नहीं बोलेंगे। तो चेंज कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव चेंज होने चाहिए और ऐसे चेंज जो फिर रिटर्न ना हो, ऐसे चेंज जो है वो रिटर्न ना हो। और ये चेंज हमें सिर्फ इकोनॉमी में नहीं, इकोनॉमी में, सोसाइटी में, एनवायरमेंट में, हर जगह दिखना चाहिए। इसीलिए हम लोग बोलते हैं डेवलपमेंट को एज मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। हम लोग डेवलपमेंट को बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट, क्यों, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे जो एरियाज जो है ये कनेक्टेड है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो डायनेमिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट का हम लोगों ने एक आइडिया समझा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि डेवलपमेंट का आइडिया ये टाइम के साथ चेंज होता है। आज हम लोग जिस डेवलपमेंट का डेफिनेशन को मानते हैं, आज से 100 साल बाद हो सकता है हम लोग उस डेफिनेशन को ना माने। आज जो डेफिनेशन आप जो याद करते हो, आप जो समझते हो सकता है कि उसमें कुछ चेंजेस करने पड़े। क्यों, क्योंकि डेवलपमेंट एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है। डायनेमिक बोलने का मतलब है ऐसी चीज जो चेंज होती रहती है, ऐसी चीज जो चेंज होती रहती है। देखो होता क्या है, ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी ये डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट जो है ये उभर के सामने आया, डायनेमिक डेवलपमेंट का। तो सेकेंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी मतलब अप्रोक्स 1950 1945 के आसपास से, ये कौन सा टाइम था याद करो, वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुई थी जस्ट इसी टाइम में। तो वर्ल्ड वॉर टू जब खत्म हुई तो उस समय जो डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है, वो एक धीरे धीरे एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट आया। वर्ल्ड वॉर से पहले जो कॉन्सेप्ट था, वर्ल्ड वॉर से पहले जो कॉन्सेप्ट था उस समय सिंपली जो कॉन्सेप्ट वो ये क्या था कि जिसके पास ज्यादा पैसा वो ज्यादा डेवलप, सिंपल सा था कि इकोनॉमिक ग्रोथ को ही सिर्फ कंसिडर करते थे। ठीक है, किसी कंट्री की GDP कितनी है, किसी कंट्री की ग्रॉस नेशनल इनकम प्रोडक्ट GNP कितनी है। अगर आपको GNP नहीं पता है तो आप कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगा। तो GNP क्या है, पर कैपिटा इनकम कितना है किसी पर्सन का, किसी कंट्री में पर कैपिटा इनकम की वैल्यू कितनी है। सिर्फ ये सब चीजें डिसाइड करती थी कि कौन कंट्री डेवलप है और कौन कंट्री डेवलप नहीं है। यानी कि सिर्फ इकोनॉमी को कंसीडर करते थे डेवलपमेंट के लिए। क्या ये अच्छा आइडिया है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, क्या ये अच्छा आइडिया है, बिल्कुल नहीं। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। मान लो आपके फैमिली में, मान लो एक कंट्री है, एक कंट्री में कितने लोग हैं, मान लो 4 लोग हैं, एक कंट्री है, कंट्री में 4 लोग हैं, ठीक है, नाम क्या है उनका, ए बी सी डी। मान लो जो ए पर्सन जो है इसके पास जो है बिलियंस में पैसे हैं, बिलियंस में रुपी है ना, करोड़ों अरबों रुपए है। बी पर्सन के पास भी जो है बिलियंस में है,
और सी और डी पर्सन जो है इनके पास बहुत कम है, 100 रुपए है बस, सी के पास 100 रुपए, डी के पास 100 रुपए। ए पर्सन एक साल में बिलियंस कमाता है, बी पर्सन एक साल में मिलियंस कमाता है, सी और डी पर्सन एक साल में कुछ 1000 रुपए कमाते हैं बस। अब अगर सभी को मैं एक साथ एक ग्रुप में लेके देखूं तो मुझे तो देख के ये लगेगा कि ये जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं ये कंट्री तो काफी रिच है, ये कंट्री तो काफी डेवलप है। लेकिन ये इस तरह से देखने का मेरा जो तरीका है ये गलत है। क्यों? क्योंकि कंट्री के अंदर ए एंड बी रिच है लेकिन सी और डी रिच नहीं है, सी और डी की लाइफ अच्छी नहीं है। इंडिया की ही बात कर लो, हमारी कंट्री को ही अगर आप देखो तो वर्ल्ड में अगर आप जीडीपी वाइज अगर आप देखो तो कितने नंबर पे आती है, वर्ल्ड में जीडीपी में लगभग 5वें नंबर पे आती है। तो देख के तो लगता है कि यानी कि पूरे वर्ल्ड में 5 नंबर पे रिचनेस के, रिच के मैटर में हमारी कंट्री आती है। लेकिन क्या हमारी कंट्री में सभी कोई रिच है? नहीं, हमारे कंट्री में ऐसे लोग हैं जिनके पास 10 कार है, हमारे कंट्री में ऐसे लोग हैं जो रोड पे सोते हैं। तो मतलब काफी डिफरेंस है। तो सिर्फ सिर्फ इकोनॉमी को देख के काम नहीं चलेगा, डेवलपमेंट अगर देखना है तो सिर्फ इकोनॉमी देख के काम नहीं चलेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ देख के काम नहीं चलेगा। जिन कंट्री में हाई इकोनॉमिक ग्रोथ है, जैसे इंडिया की ही बात कर लो, हाई इकोनॉमिक ग्रोथ है, क्या यहाँ पॉवर्टी नहीं है? क्या? डेफिनेटली पॉवर्टी भी है। तो जिन कंट्री में हाई इकोनॉमिक ग्रोथ है वहां पे हम लोग देखते हैं कि एक तरह की प्रॉब्लम, जो पॉवर्टी जो इंक्रीज हो रही है वो तो अभी भी है। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि किसी भी कंट्री में, जो कंट्री में ऐसी प्रॉब्लम है वहां पे जो रिसोर्सेस जो है वो रिसोर्सेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए हैं, रिसोर्सेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए हैं। मतलब क्या है इसका? हमारे कंट्री में देखो एक पर्सन ऐसा है जिसके पास बहुत बड़ी बड़ी जमीनें हैं, लैंड एक रिसोर्स है ना। हमारे कंट्री में ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी लैंड है तो वो एक रिसोर्स है। लेकिन हमारे ही कंट्री में ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई लैंड नहीं है, कोई घर नहीं है, रास्ते पे सोते हैं। मतलब क्या रिसोर्सेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ? क्या मेरे पास जितना लैंड है क्या उतना ही आपके पास है, या किसी जो रास्ते में जो पर्सन रहता है क्या उसके पास भी उतना ही लैंड है, या कोई रिच बिजनेसमैन के पास भी उतना ही लैंड है? नहीं, हम सभी के पास लैंड जो है वो डिफरेंट है। लैंड क्या है? एक नेचुरल रिसोर्स। इसी तरह दूसरे और रिसोर्सेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए हैं और इस कारण से हम लोग देखते हैं कि हमारे कंट्री में या और भी दूसरे कंट्री में हम लोग देखते हैं कि काफी सारे रिच है, कंट्री रिच है लेकिन कंट्री के अंदर 10 लोग रिच है, 50 लोग पुअर है, ऐसा प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। तो इसका मतलब यह है कि सिर्फ इकोनॉमी को लेकर के हम लोग डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट को नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में ये सब चेंजेस हो रहे हैं। देखो तो इसमें कुछ नए चीजें ऐड किए गए, ठीक है। अगर सिर्फ इकोनॉमी नहीं तो इकोनॉमी के साथ और क्या? अगर सिर्फ इकोनॉमी डेवलपमेंट में नहीं ऐड करेंगे तो इकोनॉमी के साथ और क्या ऐड करेंगे? जब नया कॉन्सेप्ट चाहिए था, वर्ल्ड को एक नया कॉन्सेप्ट चाहिए था, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, लोग जब देख रहे थे ऐसा डेवलपमेंट जो सिर्फ इकोनॉमी को ही कंसिडर ना करता हो, नए नए चीजों को कंसिडर करता हो, तो इसपे 2 चीज को और ऐड किया गया। आप ये वर्ड याद रखो, एक तो रीडिस्ट्रीब्यूशन विथ ग्रोथ और दूसरा ग्रोथ एंड इक्वालिटी। ये दोनों वर्ड आप फ्रेज याद रखो। तो कॉन्सेप्ट जो डेवलपमेंट का है उसमें कुछ नए चीजें ऐड किए गए, दैट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन विथ ग्रोथ, और एक और ऐड किया गया ग्रोथ एंड इक्वालिटी। इनको डेफिनेशन में ऐड किया गया अप्रोक्स 1970s में। तो वर्ल्ड वॉर के इमीडिएट बाद में अलग डेफिनेशन था, सिर्फ इकोनॉमी देख रहे थे, लेकिन 1970s में कुछ नए चीजें भी ऐड किए गए। ये दोनों वर्ड याद रखो, रीडिस्ट्रीब्यूशन विथ ग्रोथ। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? देखो मान लो एक एग्जांपल ऐसा समझो कि मान लो एक क्लास है, एक क्लास में मान लो कि लड्डू बट रहे हैं, है ना, एक क्लास में लड्डू बट रहे हैं। अब मान लो क्लास में 10 स्टूडेंट है, तो 10 में से किसी एक स्टूडेंट को 5 लड्डू मिला, किसी एक स्टूडेंट को 1 लड्डू मिला, किसी एक स्टूडेंट को तो लड्डू सिर्फ देखने को मिला और किसी एक को सिर्फ हाफ मिला। मतलब क्या ये सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? नहीं। तो सॉल्यूशन क्या है? सबसे लड्डू वापस मांगो, सबसे लड्डू वापस मांगो, अब बोलो कि चलो फिर से बांटते हैं, अब एंश्योर करो कि सभी को इक्वल मिले, सभी को दो दो करके लड्डू मिले, सभी लड्डू खाएंगे, है ना। तो कुछ ऐसा रीडिस्ट्रीब्यूशन हमारे कंट्री में क्या रीडिस्ट्रीब्यूशन किया गया? आंसर इज यस। आप याद करो लैंड रिफॉर्म, हमारे कंट्री में जो लैंड रिफॉर्म किया गया था वो क्या था? लैंड लेकर के गरीबों में बांटा गया था, है ना। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ही तो है, लैंड को आप लड्डू से कंपेयर करो। तो
रीडिस्ट्रीब्यूशन जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया, इसके साथ इंश्योर किया गया कि ग्रोथ एंड इक्विटी हो। मतलब क्या है कि ग्रोथ सबका हो, दो चार लोग बैठे जो लोग हैं जो इसी कंपनी में बैठते हैं सिर्फ उनका डेवलपमेंट ना हो। अगर डेवलपमेंट कंट्री का होता है तो वो डेवलपमेंट एक एसी कमरे में बैठने वाले लोग का भी हो, उसके साथ रास्ते में सोने वाले एक लोग है उसका भी डेवलपमेंट हो। तो डेवलपमेंट हर तरह का हो, सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, सोशल डेवलपमेंट हो, एजुकेशन की फैसिलिटी मिले। अगर आज आपके गांव में स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, और दो साल बाद अगर बन जाती है तो आपके गांव में क्या हो रही है? डेवलपमेंट हो रही है। आप थोड़ा देर के लिए सोचो, एक बच्चा जो 10 किलोमीटर पैदल चल के स्कूल जाता है वो अब अपने बगल के घर में, बगल के विलेजेस में जो डेवलपमेंट होगा तो बगल के एक दो किलोमीटर या बगल में जो है स्कूल है वहां जाएगा। मतलब सोशल डेवलपमेंट होगा, पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगा, लोगों को एबिलिटी मिलेगा कि लोग क्वेश्चन पूछ सके अपने पॉलिटिकल लीडर से। आपको पता है आरटीआई हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं गवर्नमेंट से कि आप हमें ये बताओ। तो इस तरह की डेवलपमेंट को कॉन्सेप्ट बनाया गया कब? 1970s में, इकोनॉमी से बाहर आकर के ये चीजें भी ऐड किए गए। तो आप देख सकते हो डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है। अभी और चेंज होगा, देखते हैं। नमस्ते, आगे। इट वॉज रियलाइज दैट डेवलपमेंट मस्ट इंक्लूड द इशू। तो इस टाइम में 1970s का जो टाइम है, इस समय ये सोचा गया कि अगर डेवलपमेंट कर रहे हैं तो कुछ बातों का ख्याल रखना होगा। इंप्रूविंग द वेलबींग एंड लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल, लोगों की लाइफ अच्छी होनी चाहिए, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होनी चाहिए, सभी लोगों की, ऐसा नहीं कि सिर्फ रिच लोगों की, सभी लोगों की। उनको बेटर हेल्थ फैसिलिटी मिले, बेटर हेल्थ फैसिलिटी मतलब उनको अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स मिले जहां पर वो इलाज करा सके, एजुकेशन मिले फॉर एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। बहुत लंबे टाइम तक हमारे कंट्री का ही देख लो, बहुत लंबे टाइम तक हमारे कंट्री में बहुत सारी ऐसी सोसाइटी जो है इनको प्रॉपर एजुकेशन का फैसिलिटी अवेलेबल नहीं था। ये तो गलत बात है। तो एक ऐसा डेवलपमेंट हो जहां पे सभी को एजुकेशन मिले, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, सभी को बराबर का मौका मिले, और सभी के पॉलिटिकल और सिविल राइट जो है वो हो। ऐसा नहीं कि आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ बोल रहे हो तो गवर्नमेंट आपको उठा करके जेल में डाल दे। आपके पास पॉलिटिकल राइट होनी चाहिए। जब ये सब चीजें हो तब हम लोग बोलेंगे कि हाँ डेवलपमेंट है। तो डेवलपमेंट होने के लिए इन सब चीजों का होना जरूरी है। क्या सिर्फ यही चीजें? नहीं, और भी कई चीजें हो सकती है, लेकिन ब्रॉडली अगर बात करें तो ये सब चीजें। आपके जो बुक है, आपके बुक में इन सब चीजों के बारे में बात किया गया है, तो आपको ये जानना है। तो ये आप देखो, आप ये चेंज हो रहा है। बाय 1980s डेवलपमेंट इमर्ज एज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इनकैप्सुलेटिंग वाइड स्प्रेड इंप्रूवमेंट इन सोशल एज वेल एज मटेरियल वेलबींग ऑफ सोसाइटी। 1980s आते आते तक हम लोग देखते हैं कि डेवलपमेंट का मतलब ये हो जाएगा कि सोशल लाइफ जो है वो चेंज होनी चाहिए, लोगों की मटेरियल वेलबींग जो है ये पूरा होना चाहिए। मटेरियल वेलबींग का मतलब क्या है? लोगों के पास सामान आना चाहिए। मेरे पास लैपटॉप है, आपके पास लैपटॉप नहीं है, तो गवर्नमेंट को ट्राई करना चाहिए कि आपके पास भी लैपटॉप आए। लैपटॉप आए इन द सेंस मतलब कि आपके पास लैपटॉप आएगा तो आप भी ऑनलाइन क्लास करोगे, आप भी नई नई चीजें सीखोगे कंप्यूटर में, तो आपके पास मटेरियल वेलबींग आए। किसी मेरे पास घर है, आपके पास घर नहीं है, मतलब आपके पास भी घर होना चाहिए, और यह डेवलपमेंट है। तो आप देख सकते हो कि जैसे जैसे टाइम ये बीत रहा है वैसे वैसे नए नए कॉन्सेप्ट को ऐड किए जा रहे हैं। खत्म नहीं हुआ है, अभी और है, ठीक है? अभी अभी और इसमें कॉन्सेप्ट जो डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है इसमें और चेंजेस लाएंगे। दैट इज नया जो टॉपिक है, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब इस कुछ और नया ऐड हो रहा है। अब डेवलपमेंट तो हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से हम लोग थोड़ा सा ऊपर आए, तो हमने कहा इकोनॉमिक के साथ साथ सोशल डेवलपमेंट हो, पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो, लोगों को राइट्स मिले, एजुकेशन मिले, हेल्थ मिले। अब इसके साथ हम लोग एक स्टेप और ऊपर आएंगे। अब हम लोग बोलेंगे कैसा डेवलपमेंट? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आप लोगों ने जरूर क्लास 10 में पढ़ा होगा, याद भी होगा थोड़ा बहुत आप लोगों को। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये जुड़ा है इन्वायरमेंट को लेकर के, बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट से काफी रिलेटेड है। देखो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो आप जहां रहते हो आपके विलेज में, आप मान लो एक फॉरेस्ट एरिया में रहते हो, आप फॉरेस्ट एरिया में रहते हो, आपके घर के आसपास कोई स्कूल कॉलेज कुछ नहीं है। गवर्नमेंट ने क्या किया या प्राइवेट किसी इंस्टीट्यूशन ने क्या किया, वहां पे फॉरेस्ट, वहां पे एक स्कूल बना दिया, वहां पे स्कूल बना दिया, तो क्या ये डेवलपमेंट है? आंसर इज यस, हाँ डेवलपमेंट है।
स्कूल बना है, कॉलेज बना है, डेवलपमेंट है, लेकिन वो डेवलपमेंट, वो स्कूल बनाने के लिए उन लोगों ने क्या किया, वहां के काफी सारे फॉरेस्ट को काट दिया, कट कर दिया, फॉरेस्ट का जो जमीन जो था फॉरेस्ट को कट कर करके वहां पे उन लोगों ने क्या किया, स्कूल एंड कॉलेजेस बनाए। तो डेवलपमेंट तो है, लेकिन ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने अपने डेवलपमेंट के लिए इन्वायरमेंट को हार्म किया है, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाया है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब यह है कि आप इन्वायरमेंट को जो है डेवलपमेंट तो करोगे, लेकिन इन्वायरमेंट को आप हार्म ना के बराबर करोगे, कम से कम मिनिमम हार्म करोगे इन्वायरमेंट को। वैसी डेवलपमेंट को क्या बोलेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो जब कभी भी आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, एक तो आप ये याद रखोगे कि इन्वायरमेंट को मिनिमम हार्म हो, इन्वायरमेंट को बहुत कम नुकसान हो। इसके साथ ही एक और चीज याद रखना है, आप अपने फ्यूचर जनरेशन के साथ में इनजस्टिस नहीं करोगे। ये क्या है, फ्यूचर जनरेशन के साथ इनजस्टिस नहीं करोगे, मतलब क्या है समझाता हूं मैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोग माइनिंग करते हैं, मान लो हम लोग माइनिंग करके आयरन ओर निकालते हैं। तो आयरन ओर हम लोग निकालते हैं, अब मान लो ऐसे एरिया से आयरन ओर निकालते हैं जहां पे फॉरेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं है, मतलब मान लो इन्वायरमेंट को डैमेज बहुत कम हो रहा है। तो हम लोगों ने आयरन ओर निकाला, उससे बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई, रोड बनाए, ब्रिजेस बनाए, ठीक है। तो हम लोगों ने इन्वायरमेंट को बहुत कम नुकसान पहुंचाया। अब बहुत कम नुकसान पहुंचा करके हमने सारे आयरन ओर निकाल लिए और उससे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई, ब्रिजेस बनाई, तो देख के ऑफकोर्स डेवलपमेंट है, इन्वायरमेंट को भी हार्म नहीं किया। तो इन्वायरमेंट को हार्म नहीं किया तो क्या इस वाले डेवलपमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलेंगे? आंसर इज अगेन नो नो। क्यों नहीं बोलेंगे? आपने इन्वायरमेंट को तो हार्म नहीं किया, लेकिन आप थोड़ा देर के लिए सोचो कि आपने जितने भी आयरन ओर है वो तो सारे आपने निकाल लिए। आपके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, उनको अगर मन करेगा बिल्डिंग बनाने का, बड़े बड़े बिल्डिंग बनाना चाहेंगे अपने मन के डिजाइन की, अब वो आयरन कहां से लेके आएंगे? सारे रिसोर्स तो आप लेके चले गए, सारा रिसोर्स तो आपने खर्च कर दिया, तो उनके लिए आपने छोड़ा क्या? कुछ भी नहीं। मतलब आपने अपने फ्यूचर जनरेशन के साथ इनजस्टिस किया। तो इसे ही बोलते हैं कि हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट वैसा डेवलपमेंट है जिसमें इन्वायरमेंट को कम से कम हार्म पहुंचाना है, और इसके साथ ही ध्यान ये रखना है कि फ्यूचर जनरेशन के साथ इनजस्टिस जो हो वो ना हो। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, ये लगभग 1960s के आसपास आया, स्पेशली कहा वेस्टर्न वर्ल्ड में, वो यूरोपियन कंट्री उन सब में, अमेरिका उन सब में, क्योंकि वहां के जो कंट्री के जो वहां के जो कंट्रीज जो थे वो लोग तो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर रहे थे। वहां पे तो बड़ी बड़ी वहां पे सड़कें बना रहे थे, वहां पे बड़े बड़े इंडस्ट्री डेवलप कर रहे थे, बड़ी बड़ी मशीनें फैक्ट्रीज बना रहे थे वो लोग, और इन सब पूरे प्रोसेस में वो लोग इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रहे थे। ये पूरा प्रोसेस जो है ये वेस्टर्न वर्ल्ड से स्टार्ट हुआ, और इस पूरे प्रोसेस में हम लोग देखेंगे कि इन्वायरमेंट जो है वो कहीं ना कहीं काफी डैमेज हो रहा था। आपको पता है 1960s के 1950s के आसपास के टाइम में बहुत सारी कंट्री को इंडिपेंडेंस भी मिला, ये कंट्री भी अपना कंडीशन को अच्छा करना चाहती थी, तो इन लोगों ने भी बड़े बड़े फैक्ट्री बनाना किसी तरह से ट्राई किया, इन लोगों ने भी स्टार्ट करने का ट्राई किया, इन्वायरमेंट को डैमेज पहुंचा रहे। तो सभी को इन्वायरमेंट को डैमेज पहुंचा रहे, तब जाकर के वेस्टर्न कंट्रीज ने, जिन लोगों ने अपना खुद का तो डेवलपमेंट कर लिया, लेकिन जब न्यूली कंट्री कर रहे थे डेवलपमेंट, तो इनको लगा कि ओके इन्वायरमेंट तो बहुत डैमेज हो रहा है, चलो कुछ काम किया जाए, है ना, कुछ काम किया जाए। तो यहां पे इन लोग बोलेंगे कि एक काम करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है अब से हम लोग ये करेंगे। तो वेस्टर्न कंट्री से कुछ बुक्स लिखे गए, कुछ राइटर्स हुए, ठीक है, जैसे द पॉपुलेशन बॉम्ब नाम का, ठीक है, बाय एर्लिच 1968 में, लिमिट टू ग्रोथ बाय मीडो एंड अदर 1972 में। तो इस तरह की कुछ बुक्स आई जिन बुक्स ने बात किया एनवायरमेंट इशू पे। इन बुक्स पे टॉपिक क्या था? टॉपिक ये था कि किस तरह से जो डेवलपमेंट हम लोग कर रहे हैं वो इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचा रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट लेके आया गया कि अब से सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, सिर्फ डेवलपमेंट से काम नहीं चलेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है हम लोगों ने अभी समझा, है ना। तो बहुत सारी कंट्री जो है ये डिमांड कर रही थी, यूनाइटेड नेशन भी इसमें पीछे नहीं था। यूनाइटेड नेशन ने भी क्या किया, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, WCED, है ना, यूनाइटेड नेशन। आप पॉलिटिकल साइंस वाले क्लास 12 में आप पढ़ोगे तो वहां पे आप डिटेल में आप रीड करते हो, लेकिन अभी तो हम लोग देख रहे हैं क्लास 12 की ज्योग्राफी, है ना। तो यहां पे आप देखोगे कि यूनाइटेड नेशन ने ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया,
ये ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या था कि पूरे वर्ल्ड में जो कम्युनिटी है, वर्ल्ड कम्युनिटी का मतलब पूरे दुनिया भर के जो लोग हैं, उनकी जो भी इन्वायरमेंट को लेकर के जो भी उनकी समस्या है, जो भी उनके कंसर्न है, उनको एड्रेस करे। इस कमीशन ने देखा काम को, इस कमीशन ने इस इशू को समझा। इस कमीशन का हेड कौन थे? तो नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर थे, ग्रो हैरलेम ब्रुटलैंड। ये जो कमीशन बनाया गया, एक कमीशन बनाया गया कि आप, कमीशन बनाया गया मतलब एक एक्सपर्ट लोगों का ग्रुप बनाया गया कि आप देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है हम लोग क्या कर सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे कमीशन बनाया गया जिसके हेड कौन थे, नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर ग्रो हैरलेम ब्रुटलैंड। इन्होंने काफी डिस्कशन किया, रिसर्च किया इनके ग्रुप ने। अब फाइनली इन लोगों ने अपना रिपोर्ट पब्लिश किया। रिपोर्ट का नाम क्या था? रिपोर्ट का नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। कब पब्लिश हुआ? 1987 में। आवर कॉमन फ्यूचर 1987 में। इस रिपोर्ट का दूसरा एक नाम है ब्रुटलैंड रिपोर्ट। क्यों ब्रुटलैंड? बिकॉज देखो जो हेड है उनका नाम में ब्रुटलैंड है। तो ब्रुटलैंड रिपोर्ट जो है ये पब्लिश किया गया 1987 में। इस रिपोर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने इसको ग्रीन कलर से ऐसे करके किया है, इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डेफिनेशन जो है वो दिया गया। आपको अगर पूछा जाए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डेफिनेशन, सिंपली ये ग्रीन वाला लाइन को रट्टा मार के आपको लिखना है। समझ लेते हैं एक बार। डेवलपमेंट, ऐसी डेवलपमेंट जो मीट करती है नीड ऑफ द प्रेजेंट, जो आपकी प्रेजेंट रिक्वायरमेंट को मीट करती हो, आज के प्रेजेंट डे में आपकी जिस तरह की रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, उसको वो मीट करती है, लेकिन इसके साथ ख्याल रखती है कि फ्यूचर जनरेशन के साथ किसी भी तरह की कॉम्प्रोमाइजेस ना हो। ठीक है, फ्यूचर जनरेशन के साथ किसी भी तरह की कॉम्प्रोमाइज ना हो, ऐसा नहीं कि उनका कोई नुकसान हो, ऐसा डेवलपमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इस रिपोर्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डेफिनेशन प्रोवाइड किया गया, आपको याद रखना है ये वाला। ठीक है, तो हम लोग यहां पर देखते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, जब हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इतना तो समझ में आ गया कि डेवलपमेंट के साथ हम लोग बात करते हैं इन्वायरमेंट की, मतलब इकोलॉजी की। हम लोग बात करते हैं इकोलॉजी, सोशल, इकोनॉमिक, ऑफकोर्स इकोनॉमिक सोशल तो बात कर ही रहे थे, एक नया चीज ऐड कर दिया, दैट इज इकोलॉजी, इन्वायरमेंट को भी जोड़ दिया उसमें। देखो डेवलपमेंट का डेफिनेशन पहले स्टार्ट हुआ था इकोनॉमी के साथ, फिर हमने उसमें वो सोशल वाली चीजें जोड़ दी, है ना, सोशल पॉलिटिकल इश्यूज जोड़ दिए, फिर उसमें हम लोगों ने इन्वायरमेंट जोड़ दिया, है ना, तो हम लोगों ने अब उसमें इन्वायरमेंट जोड़ दिया। तो ये हम लोग देखते हैं कि ये जो एस्पेक्ट है डेवलपमेंट का, ये आज के टाइम में यही चल रहा है। ठीक है, आज के टाइम में यही चल रहा है कि फ्यूचर जनरेशन के साथ में रिसोर्सेस का उनका इनजस्टिस ना हो। आज से 50 साल बाद हो सकता है कुछ नई चीजें को भी जोड़ दे, लेकिन फिलहाल डेवलपमेंट का जो डेफिनेशन है आपको ये तहां तक मान के आपको चलना है। ठीक है, तो आज के डेट में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का हम लोग मान के चलते हैं वो ये है कि ऐसा डेवलपमेंट जिसमें पूरे ह्यूमन का डेवलपमेंट हो, किसी दो चार लोगों का नहीं, और सभी का, क्योंकि हम सभी का फ्यूचर कॉमन है, हम सभी का कॉमन फ्यूचर हो, ब्राइट फ्यूचर हो, तो ऐसी डेवलपमेंट हो, इसको ही जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट मानेंगे। तो आपकी कोई भी डाउट इंक्वायरी हो तो आप बिल्कुल मुझे टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम में जुड़ के क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ओके, और इसके बाद जो मेरी वीडियो आएगी वो आएगी क्लास 12 ज्योग्राफी बुक 2 चैप्टर 9 प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया से, इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट से पार्ट 4। इसमें मैं बात करूंगा इंदिरा गांधी कैनल वाला जो जो इशू जो है उसके बारे में बात करेंगे, है ना, तो उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे और ये हमारी लास्ट पार्ट होगी। तो वीडियो पसंद आया हो तो बिल्कुल लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू।